कुछ एग्जाम्पल करा दिए गए थे। इसके साथ ही इसमें कुछ महत्वपूर्ण और उदाहरण हैं, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल 9 में कहा है यदि सीपी कॉमा सीडी किसी दीर्घवृत्त के संयुग्मी अर्धव्यास हों तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु पी पर वक्रता त्रिज्या सी डी क्यू अपॉन ए बी होगी, जहां ए तथा बी दीर्घवृत्त के अर्धाक्ष हैं। यानी दीर्घवृत्त है ये, एक्स अक्ष और वाई अक्ष है। इसमें कहा है कि यदि सीपी और सीडी किसी दीर्घवृत्त के संयुग्मी अर्धव्यास हों, यहाँ जो संयुग्मी शब्द है इसका मतलब होता है सी अगर सेंटर हो तो सीपी और ये सीडी, इसको पी पॉइंट और इसको डी पॉइंट नाम दिया जाए। संयुग्मी से मतलब होता है कि पी, ये जो सी पी है और सी डी है, वो एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री कोण बनाते हों। संयुग्मी से जो मतलब है यहाँ, उसका मतलब है कि सी पी और जो सी डी हैं वे एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ कि दीर्घवृत्त पर किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके बारे में हम आपको पहले भी लिखा चुके हैं, और जब जब क्वेश्चन आएंगे दीर्घवृत्त वाले तब तब आपसे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो दीर्घवृत्त का समीकरण है, माना दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पर किसी बिंदु के निर्देशांक P A cos थीटा कॉमा B sin थीटा है। यानी यहाँ जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट कितने माने हमने, A cos थीटा कॉमा B sin थीटा, अर्थात हम यहाँ यह कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू बी साइन थीटा। अब अगर हम वक्रता त्रिज्या रो की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा है, क्वेश्चन में जो पूछा है वह है आपसे कि P पर जो वक्रता त्रिज्या है वो CD की घात 3 बटे AB होगी। यहाँ P पर जो रो है ना, रो वो है P पर रो इज इक्वल टू CD की घात 3 बटे में AB, ये हमें सिद्ध करना है। जहाँ A और B क्या है, इनके अर्धाक्ष, अर्धाक्ष बोलें तो A इतनी सी दूरी, और B जो दूरी है ना वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, वो B है। तो रो निकालने का जो फॉर्मूला है, पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालें एक्स डैश यानी थीटा के रेस्पेक्ट में, तो माइनस ए साइन थीटा, दूसरा है बाई डैश तो बी साइन थीटा का करेंगे ये कॉस थीटा, फिर एक्स डैश का करेंगे तो एक्स डबल डैश, तो यहाँ माइनस ए साइन थीटा का होगा माइनस का ए कॉस थीटा, बाई डैश का करेंगे बाई डबल डैश माइनस बी साइन थीटा। ये रहा इसमें एक्स डैश और बाई डैश। रो इज इक्वल टू जो निकालते हैं, रो इज इक्वल टू फॉर्मूला बताया आपको, एक्स डैश स्क्वायर प्लस बाई डैश स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में एक्स डैश बाई डबल डैश माइनस बाई डैश एक्स डबल डैश। तो इसमें यह बन जाएगा रो इज इक्वल टू
एक्स डैश स्क्वायर करोगे, एक्स डैश का जो वर्ग है उसे लिखेंगे हम, तो यानी माइनस ए साइन थीटा का वर्ग, जो कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही वाई डैश का स्क्वायर लिखेंगे तो वाई डैश है बी कॉस थीटा, तो यहाँ बनेगा ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी पावर है ये 3/2 अपॉन में एक्स डैश का गुणा बाई डबल डैश से करना है, यानी एक्स डैश का गुणा इधर करना है बाई डबल डैश से, तो माइनस माइनस प्लस ए बी साइन स्क्वायर थीटा, तो यह बन जाएगा ए बी साइन स्क्वायर थीटा, और फिर है माइनस बाई डैश का एक्स डबल डैश से करना है, तो ये जो बाई डैश है इसका एक्स डबल डैश से करेंगे तो माइनस आएगा यहाँ माइनस ए बी कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक तो ये माइनस और एक वहाँ से माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस ए बी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में बन जाएगा ये। आप देखेंगे नीचे से अगर हम ए बी को कॉमन लें तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बनेगा जो कि एक हो जाएगा, फिर आया ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 रो इज इक्वल टू। अगर हम इसको समीकरण एक डाल दें तो जैसा कि आपसे प्रूव करवाया यहाँ रो इज इक्वल टू, तो रो की वैल्यू निकाल दी। अभी सी डी और निकालना है, अभी हमें इसमें सी डी और निकालना है, कोई दिक्कत आती है सिस्टम में तो मैं जिम्मेदार हूँ, तो मैडम फिर भी मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि आप पॉज नहीं करेंगे भाई, सिस्टम में मिस्टेक आती है उनको पता लगना चाहिए कि हमारी गलती नहीं है। तो जैसा कि आपको बताया यहाँ वन अपॉन रो इज इक्वल टू वन अपॉन ए बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी पावर हो जाएगी ये 3/2। अब जैसा कि हमें रो इज इक्वल टू निकालना है सी डी की घात 3/ab, तो यानी सी डी डिस्टेंस चाहिए। सी डी को निकालने के लिए अब दूरी सी डी इज इक्वल टू सी से लेकर के डी तक की दूरी चाहिए हमें, लेकिन इसके लिए डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट और चाहिए। पहले हम यहाँ डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट और निकालते हैं, और इन डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करें तो पी पॉइंट के आपके पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो डी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट निकालोगे तो केवल 90 डिग्री और जोड़ना है। देखिए ये एंगल है आपका थीटा, तब जा कर के पी के कोऑर्डिनेट है ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, और अगर हम P पॉइंट के बाद D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालें तो आप देखेंगे कि ये 90 डिग्री का और अंतर आ रहा है, तो आप थीटा की जगह 90 प्लस थीटा रखें। अब D पॉइंट के निर्देशांक D बिंदु के जो निर्देशांक हैं वह बनेंगे D, और ये आएंगे यहाँ a cos थीटा, तो थीटा की जगह हमें 90 प्लस थीटा करना है। फिर है b sin थीटा, थीटा की जगह हमें 90 प्लस थीटा करना है, तो ये बन जाएगा इक्वल में d a cos 90 प्लस थीटा। cos 90 प्लस जो थीटा होता है आप देखेंगे cos 90 प्लस थीटा सेकंड में आएगा ना, सेकंड में cos नेगेटिव होता है और 90 वाली लाइन है चेंज हो जाएगी, तो माइनस का साइन थीटा बन जाएगा ना, कॉस का हो जाएगा साइन 90 की वजह से, और सेकंड में पहुंच रहा है तो सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है ना, माइनस का ए साइन थीटा बनेगा ये। दूसरा है यहाँ बी साइन 90 प्लस थीटा, तो इसको हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, यह है बन जाएगा। अब जैसा कि आपको बताया डी बिंदु के जो निर्देशांक है वो इतने हो गए,
तो जो दूरी सी डी होगी ना सी, क्योंकि ये सेंटर है इसका दीर्घवृत्त का केंद्र, तो सी से लेकर के डी तक की दूरी हमें निकालनी है। डी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको यहाँ लिख दे सकते लिख दें, तो ये है माइनस का ए साइन थीटा और फिर है ये बी कॉस थीटा। तो जो दूरी सी डी बनी, अब दूरी सी डी बराबर यह आएगी अंडर रूट में, अंडर रूट में जो दूरी बनेगी, देखिए आपको पता है एक्स टू माइनस एक्स वन करते हैं, अरे दूरी फॉर्मूला आप जानते हो ना, दूरी सूत्र एक्स टू माइनस एक्स वन का वर्ग प्लस बाई टू माइनस बाई वन का वर्ग, ये होता है दूरी पी क्यू निकालने के लिए। अब इसी दूरी सूत्र की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ जो जीरो जीरो है इसको एक्स वन बाई वन माने और ये जो ऊपर वैल्यू है इनको एक्स टू बाई टू माने, इन्हें एक्स वन बाई वन और एक्स टू बाई टू अगर नाम दें तो इसके अकॉर्डिंग यानी जो डी पॉइंट लिखा हुआ है आपके पास, डी पॉइंट जो लिखा हुआ है ये जिसके कि कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं आपके पास माइनस ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, माइनस ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, ये कोऑर्डिनेट बने, इसको एक्स वन वाई वन डाला, इनको एक्स टू वाई टू नाम दे सकते हैं डी बिंदु के कोऑर्डिनेट्स को। तो एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर करोगे यानी जीरो माइनस और एक्स टू का मान माइनस ए साइन थीटा है तो माइनस माइनस प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसे ही प्लस वाई टू माइनस वाई वन करोगे या वाई वन माइनस वाई टू करोगे तो जीरो माइनस बी कॉस थीटा, जीरो माइनस बी कॉस थीटा का स्क्वायर आप चेक करेंगे कि ये बना ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बनेगा माइनस बी का वर्ग करेंगे प्लस बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। आप अगर इसका स्क्वायर करें सी डी का स्क्वायर वर्ग करेंगे तो रूट हटेगा, यह बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इस मान को हम समीकरण एक में रखें, समीकरण एक में मान रखने पर जैसे ही समीकरण एक में मान रखेंगे तो रो की जो वैल्यू बनेगी, तो ये रो की वैल्यू आएगी अपने पास रो इज इक्वल टू वन अपॉन ए बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर जो कि सी डी स्क्वायर है ना, तो यहाँ सी डी स्क्वायर लिख देंगे। इसकी भी पावर थ्री बाई टू है, टू से टू कैंसिल करेंगे वन अपॉन ए बी आएगा, ये टू से टू कैंसिल तो ऊपर सी डी का क्यूब बचेगा, सी डी का क्यूब या ये लिख सकते हैं सी डी का होल क्यूब अपॉन में ए बी। ये इसका पार्ट फर्स्ट हुआ, अभी हम इसका पार्ट सेकंड कराएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसके लिए भी आप पढ़ोगे। क्वेश्चन तो यही है लेकिन जो सेकंड पार्ट है ना अभी उसमें प्रूव करवाया है पी और क्यू है, यानी एक पॉइंट तो पी है और दूसरा जो डी है, इन पर वक्रता त्रिज्या रो वन और रो टू नाम दे दिए हैं, बस क्वेश्चन सेकंड है उसको सेकंड पार्ट को पढ़ो। उस सेकंड पार्ट में देखिए अभी आपने केवल और केवल फर्स्ट पार्ट प्रूव किया है, अभी जो सेकंड पार्ट है वो है
उसमें प्रूफ जो करवाया है इधर लिख देते हैं आपके लिए, या फिर इस पार्ट को तो फिनिश करते हैं ना, एक भाग है इसको हटाते हैं। आप देखेंगे कि पी पर जो वक्रता त्रिज्या है वो ये निकली है, इसकी अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए आपसे कहा है अब यदि रोवन तथा रोटू एक दीर्घवृत्त के संयुग्मी व्यास के छोरों पर वक्रता त्रिज्या हो, यानी जो ये संयुग्मी व्यास थे ना सी पी और सी डी, इनके सिरों पर जो वक्रता त्रिज्या हैं वो रोवन और रोटू हैं, पी पर वक्रता त्रिज्या रोवन है और डी पर जो वक्रता त्रिज्या है वह है रोटू है, तो आपसे सिद्ध करवाया है इसमें, तो सिद्ध कीजिए इसमें सेकंड पार्ट में जो भी प्रूफ करवाया है वह है ए बी की पावर 2/3 इंटू रो वन की पावर 2/3 प्लस रो टू की पावर 2/3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब इसके सेकंड पार्ट में ये प्रूफ करना है, लेकिन क्वेश्चन में जैसा कि कहा है कि रो वन और रो टू दीर्घवृत्त के संयुग्मी व्यास के जो सिरे हैं उन पर वक्रता त्रिज्या हैं, रोमन और रोटू जो कहा है वो पी और रोमन और जो रोटू हैं वो पी और इस डी पर वक्रता त्रिज्या हैं। किसी स्टूडेंट का कहना है कि सर ऊपर से दिख नहीं रहा, वैसे तो अब ऐसी कोई समस्या होगी नहीं, हमने पहले ही नीचे कर दिया है यहाँ माइनस ए साइन थीटा बी कॉस थीटा है। अच्छा तो देखेंगे आप इसमें ए बी की पावर 2/3 रो वन की पावर 2/3 प्लस रो टू की पावर 2/3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम पी पर वक्रता त्रिज्या निकालेंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो आपने वक्रता त्रिज्या निकाली थी ये पी पर ही थी, पहले से ही ये पी पर वक्रता त्रिज्या निकाली है, मतलब बिंदु ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा लेकर के हल किया था तब ये बना था रो। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं क्योंकि बिंदु P पर वक्रता त्रिज्या रोवन है, तब दे रखा है क्वेश्चन में कि रोवन क्या है P पर वक्रता त्रिज्या है, तो यहाँ P उस रो की जगह हम रोवन लिखेंगे, रोवन इज इक्वल टू 1/AB ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इसकी पावर 3/2। आप देखेंगे कि ए बी को रो वन के साथ लाएं, रो वन ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। यहाँ से जो 3/2 है इसको हटाएंगे तो 2/3 बनेगा, यानी रो वन की पावर 2/3 ए बी की पावर 2/3 इक्वल में आएगा ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दें, इसे अगर हम इक्वेशन नंबर सेकंड डालें तो अब हम डी बिंदु पर ये जो पॉइंट डी दे रखा है इस पर वक्रता त्रिज्या और निकालेंगे, पुनः यदि डी पर वक्रता त्रिज्या रो टू है तब थीटा के स्थान पर नाइन्टी प्लस थीटा लेने पर हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पी पॉइंट से डी पॉइंट तक जाने में हमें ये 90 डिग्री का अंतर और कवर करना है, तो सीधे ही इसमें थीटा की जगह 90 प्लस थीटा रख दो समीकरण दो में, तो रो वन और रो वन की जगह आप रो टू लिखना है, रो टू
की पावर 2/3 और ये है इधर ए बी की पावर 2/3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमें लिखना है 90 प्लस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर। यहाँ भी थीटा की जगह हमें 90 प्लस थीटा लिखना है। तो आप देखेंगे यहां रूट टू की पावर 2/3 और फिर है ये ए बी की पावर 2/3 इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। लेकिन आप देखेंगे यहाँ साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये है बी स्क्वायर, लेकिन कॉस स्क्वायर 90 प्लस थीटा यानी कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। कॉस 90 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर थर्ड डालें तो ये जो समीकरण 2 और 3 हैं इनको जोड़ा जाए, क्योंकि आप देखेंगे रो 1 की पावर 2/3 प्लस रो 2 की पावर 2/3 है ना। तो अगर एक तो ये समीकरण सेकंड नंबर का और एक वो थर्ड नंबर का इक्वेशन है उनको जोड़ा जाए, समीकरण 2 प्लस 3 से, तो आप देखेंगे यहाँ की ये है रो 1 की पावर 2/3 ए बी की पावर 2/3 रो 1 की पावर 2/3 और ए बी की पावर 2/3 प्लस। तो हमने देखा कि इसका LHS और फिर इस समीकरण का भी LHS रूट 2 की पावर 2/3 और ए बी की पावर 2/3 इक्वल टू आप देखेंगे यहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर। वैसे तो एक स्टेप में लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको 2 स्टेप में लिख रहे हैं आपके लिए। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यह बना यहाँ से रो 1, देखेंगे कि ए बी की पावर जो 2/3 है इसको कॉमन लिया जाए, रो 1 की पावर 2/3 प्लस रो 2 की पावर 2/3 इज इक्वल टू इन दोनों में से अगर हम ए स्क्वायर कॉमन लें तो ये बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन लें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखेंगे कि यहाँ ए बी की पावर 2/3 तो पहले से ही कॉमन है, साथ में रो 1 की पावर 2/3 प्लस रो 2 की पावर 2/3 और ये रहा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बचा यहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा तो ये बी स्क्वायर बचा। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से कंप्लीट होता है। अब हम इसके किसी और भी क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने से पहले आपको रिज्वाइन कराएंगे। सिद्ध कीजिए कि परवल है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के किसी बिंदु P पर वक्रता त्रिज्या के किसी बिंदु P पर परवल है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के किसी बिंदु P पर वक्रता त्रिज्या जो रो है उसे बताना है सिद्ध करके।
पी पर वक्रता त्रिज्या रो इज इक्वल टू 2sp की पावर 3/2 अपॉन में रूट ए, जहां s परवलय की नाभि है। तो ये तो पार्ट फर्स्ट है, सेकंड पार्ट के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। पहले पार्ट फर्स्ट के बारे में समझेंगे। देखिए ये जो परवलय होता है ना भाई, स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसका डायग्राम कुछ किस तरह से होता है। इसकी नाभि अगर s है तो नाभि के कोऑर्डिनेट होते हैं a0। अच्छा, परवलय के किसी बिंदु पर या परवलय पर किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं at2, 2at। आपको याद होना चाहिए, जब चैप्टर थर्ड की स्टार्टिंग की थी तो हमने वहां आपको बताया था ये सब कुछ। तो इसमें लिख सकते हैं हम, माना परवलय बाय स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पर किसी बिंदु के निर्देशांक पी at2, 2at हैं, अर्थात x इज इक्वल टू 80² और y इज इक्वल टू 280। अगर हम इसमें x डैश निकालें तो यह बनेगा 280t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और y डैश निकालेंगे तो यह आएगा 2a। एक्स डैश का डबल डेरिवेटिव करेंगे 2a, y डैश का डबल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब आपके लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था वक्रता त्रिज्या के लिए। वक्रता त्रिज्या रो इज इक्वल टू होता है एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश। तो ये वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला बनता है। अगर हम इसमें एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू रखें, एम्प्लाइज रो इज इक्वल टू एक्स डैश, तो एक्स डैश का मान है 280, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 4a² t² प्लस वाई डैश स्क्वायर है ना, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 2a² 4a² इसकी भी पावर है अब 3/2। नीचे है ये x डैश y डबल डैश, तो x डैश का गुणा y डबल डैश यानी 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस y डैश का गुणा x डबल डैश से करें यानी 2a का गुणा 2a से करें तो 4a² बनेगा। अब क्योंकि रो क्या होती है, एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, यानी रो है वह एक धनात्मक मान होता है, इसीलिए आप यहाँ जो नेगेटिव है इसको पॉजिटिव करके लिख सकते हैं। रो वक्रता त्रिज्या है, रो क्या है इसमें वक्रता त्रिज्या है, और वक्रता त्रिज्या सदैव एक दूरी होती है, और जब हम दूरी की बात करें तो दूरी सदैव क्या है, पॉजिटिव ही होती है। तो यहाँ से अगर हम 4a² को बाहर निकालें 3/2 से, तो ये लिखा जा सकता है दिस इम्प्लाइज रो इज इक्वल टू 2a² को अगर हम बाहर निकालें, 4a² का मतलब है 2a² से, यानी 4a² को 2a का होल स्क्वायर करके कॉमन निकालें तो यहाँ t² बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, t² प्लस 1 इसकी पावर 3/2 रहेगी, और अपॉन में आएगा माइनस का 4a। जैसा कि आपको बताया हमने कि जो वक्रता त्रिज्या होती है ना रो, वह एक संख्यात्मक मान होता है, इसीलिए सदैव पॉजिटिव लिया जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, या तो यहाँ कर दो या माइनस को हटा दो, लेकिन कारण देना होगा क्योंकि रो एक संख्यात्मक मान है। अगर रो संख्यात्मक मान है तो इसको इतना लिख सकते हैं,
अब हम ये जो रो इज इक्वल टू 2a की पावर 2 है ना, इसको बाहर निकाले तो आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल होगा तो 2a का होल क्यूब बचेगा। 2a का जो होल क्यूब है ना, यानी इसको लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब बचेगा ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2a पर पावर 3/2 थी और यहाँ रहा ये 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में 4a। आप देखेंगे 2 की घात 3 8 बनेगा तो 8a क्यूब अपॉन में है ये 4a, साथ में 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2, 4a का भाग देंगे 4 का 8 में 2 बार a से a स्क्वायर टाइम, तो ये रहा 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये निकला है रो की वैल्यू, लेकिन हमें ये जो प्रूफ करना है वो sp की पावर 3/2 sp की फॉर्म में करना है। तो हम दूरी sp निकालेंगे, sp दूरी बनी ये, तो दूरी सूत्र से आप समझेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसको निकाला जाए तो ये बनेगा अब दूरी sp इज इक्वल टू अंडर रूट में आप देख सकते हैं 80 स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर करें, 80 स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर प्लस दूसरा है 280 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 280 माइनस 0 का स्क्वायर आप इसको लिख सकते हो। अगर आप इसका स्क्वायर करें sp स्क्वायर, यानी दोनों साइड अगर स्क्वायर करें तो इधर से रूट हट जाएगा, रूट हटेगा तो यहां से a कॉमन भी लें, लेकिन a पे स्क्वायर है तो स्क्वायर बन के निकलेगा और ये आएगा t स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर t स्क्वायर। अगर आप इसमें से a स्क्वायर को कॉमन लें तो यहाँ t स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, ये t 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 4t स्क्वायर, ये वैल्यू बचेगी। आप इसको लिख सकते हो a स्क्वायर t 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर है ना, तो प्लस का 2t स्क्वायर बचेगा। a स्क्वायर इसको लिख सकते हो t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और आप देखेंगे कि ये जो sp स्क्वायर की वैल्यू निकली है ना, sp स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है a स्क्वायर और ये 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप अगर यहाँ इसकी वैल्यू रखना चाहें, अगर आप इसका वर्गमूल लें, वर्गमूल लिया जाएगा तो एस पी इज इक्वल टू आएगा ए 1 प्लस टी स्क्वायर, और इस मान को यहाँ समीकरण एक में रखें तो आप लिख सकते हो समीकरण एक से, समीकरण जो एक है इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि रो इज इक्वल टू, ये जो रो है यहाँ यह वैल्यू आ जाएगी रो इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, और यहाँ जो 1 प्लस टी स्क्वायर है ना, 1 प्लस टी स्क्वायर की जगह आप sp अपॉन a लिखेंगे, लेकिन इस पे घात है 3/2, तो ये है 2a स्क्वायर sp की पावर 3/2 अपॉन a की पावर 3/2। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ a की पावर 3/2 है तो 3/2 ऊपर जाएगा, 2 माइनस 3/2 होगा, 2 माइनस 3/2 का मतलब है 1/2, तो यानी ऊपर बचेगा 1/2 a पे घात 1/2, जिसको आप रूट a लिख सकते हैं। और फिर है ये sp की पावर 3/2, लेकिन इसमें कहीं एक ही मिस्टेक हुई है, अभी वेरीफाई करते हैं उसे। आपने जो रो निकाला है उस रो की वैल्यू बनती है 2a 1 प्लस टी स्क्वायर, यह जो रो निकाला है ना यहाँ,
इसकी जो वैल्यू है ये 4a स्क्वायर है। देखिए ये यहाँ a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है, इस जगह a स्क्वायर है, तो एक a बचेगा ऊपर, यहाँ a स्क्वायर आ रहा है तो ये a बचेगा बस, और a बचेगा तो यहाँ जब मान रखेंगे तो ये a है, ये भी a है, तो ऊपर एक a है, नीचे 3/2 है, तो ये नीचे रूट बचेगा, 2sp अपॉन रूट a नीचे बचेगा। यही आपसे रो की वैल्यू प्रूव करवाई है। अब अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो कंफर्म कराएं। अभी इसका सेकंड पार्ट और भी कराना है, स्क्रीनशॉट भी ले साथ में आप इसका। हाँ a स्क्वायर है, कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी भी चर्चा करें। आपने देखा यहाँ कि ये जो P पॉइंट है इस पर वक्रता त्रिज्या रो इज इक्वल टू 2a और 1+t² / 3/2 है, लेकिन इसका ये जो सेकंड पार्ट है ना, इसमें कुछ और भी कहा है आपसे। यहाँ सेकंड पार्ट में कहा है, यदि एक परवलय जिसकी अर्धनाभिलंब जीवा 2a है, यानी डायग्राम थोड़ा सा हम हटके बनाते हैं, जिसकी अर्धनाभिलंब जीवा है, एक तो होती है नाभिलंब जीवा एस से लेकर के पी तक, और एक होती है अर्धनाभिलंब जीवा, यानी एक तो होती है नाभिलंब जीवा जो पी से लेकर के और यहाँ क्यू तक मिलेगी, एक होती है अर्धनाभिलंब जीवा, अर्धनाभिलंब हम एस पी की बात कर सकते हैं, एस पी दूरी। तो ये कहा है यदि एक परवलय जिसकी अर्धनाभिलंब जीवा 2a है, आप वैसे भी जानते हैं कि पूरी जो पी क्यू होती है वो 4a होती है, कितनी होती है 4a, तो आधी करेंगे तो 2a रह जाएगी। और फिर इसमें कुछ और भी कहा, देखो अर्धनाभिलंब जीवा 2a है कि किसी नाभि जीवा के सिरों पर वक्रता त्रिज्या रो 1√2 हो तो सिद्ध कीजिए, यानी इसके जो सेकंड पार्ट है, इसका ये जो सेकंड पार्ट है ना, इसमें प्रूव करवाया है हमसे √(-2/3) + √(-2/3) = √(-2/3). इतना हमसे वैल्यू प्रूव करवाई है ये, जहाँ रोवन और रो टू के बारे में जो चर्चा की है वह कहा है हमसे, रोवन जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो पी पॉइंट पर है, और रो टू है वो क्यू पॉइंट पर है। पी पॉइंट पर रोवन है, क्यू पॉइंट पर रो टू है। लेकिन अगर हम ये कहें कि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, देखिए नाभिक जीवा के जो सिरों के निर्देशांक है ना, ए टी वन स्क्वायर और 2a t1, कुछ नहीं अंतर, हमने यहाँ टी था उसकी जगह टी वन कर दिया, और ऐसे ही यहाँ हम टी टू कर रहे हैं, ए टी टू स्क्वायर कॉमा 2a t2 है। तो ये हमें प्रूव करना है। माना नाभिय जीवा के सिरे पी माना नाभिय जीवा के सिरे के निर्देशांक पी ए टी वन स्क्वायर कॉमा 2a t1 व क्यू ए टी टू स्क्वायर कॉमा 2a t2 हैं। आपको ये जो परवलय की कुछ कंडीशंस होती हैं इनको जब पढ़ाया जाएगा, वैसे तो अब नहीं पढ़ाया जाएगा आपके लिए क्योंकि आपके सिलेबस में से हटा दिया है, इसीलिए आपको याद रखना होगा। ये जो भी टॉपिक हैं परवलय, परवलय के नाम से जो टॉपिक है आपके सिलेबस में से COVID-19 की वजह से हटा दिया गया है, तो आपको क्या है इसमें परवलय के बारे में पढ़ाया नहीं जाएगा, लेकिन आप यहाँ इन कंडीशंस को याद रखोगे। और वो कंडीशन है कि यहाँ T1 है और यहाँ T2 है, तो इनमें रिलेशन आता है
टी वन इंटू टी टू इज इक्वल टू माइनस वन, जैसे प्रवणता होती है ना एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस वन, सेम उसी तरीके से आएगा। अब हम यहाँ अगर बात करें कि रोवन जो वक्रता त्रिज्या है वो पी पॉइंट पर है और रोटू जो वक्रता त्रिज्या है वह क्यू पॉइंट पर है, तो इन वैल्यूज को अगर हम निकालें, अगर हम इन दोनों वैल्यूज को निकालें तो ये कह सकते हैं क्योंकि P पर वक्रता त्रिज्या रो वन, आपको कुछ नहीं करना, केवल यहाँ ये जो रो निकला है इसकी जगह रो वन लिख देना है, 2A साथ में 1 प्लस टी वन स्क्वायर की पावर 3 बाई टू तथा Q पर वक्रता त्रिज्या रो टू इज इक्वल टू टू ए वन प्लस टी टू स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू। अब आप देखेंगे जैसा कि आपसे प्रूव करवाया है, रो वन और जो रो टू हैं इनको जुड़वाया गया है, तो आप यहां से इनको समीकरण नंबर डालें कुछ, इसको दो डाल दें, इसको तीन डाल दें, दो और तीन को जैसे ही हल करेंगे जैसे ही आप इसको हल करोगे दो व तीन से, आप यहां से देखेंगे समीकरण जो दो है और ये तीन है तो रो वन के नीचे टू ए आ जाएगा, रो वन अपॉन टू ए इज इक्वल टू वन प्लस टी वन स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू। यहाँ से वन प्लस टी वन स्क्वायर को निकालें तो ये थ्री बाई टू है ना, इधर आएगा टू बाई थ्री हो जाएगा, रो वन अपॉन टू ए की पावर टू बाई थ्री इज इक्वल टू वन प्लस टी वन स्क्वायर, इसको अब हम चार डाल दें, तथा रो टू अपॉन रो वन अपॉन टू ए है तो ऐसे ही रो टू अपॉन टू ए निकालेंगे, रो टू अपॉन टू ए इसकी भी जो पावर बनेगी टू बाई थ्री बनेगी, इधर लेकिन अब आ जाएगा वन प्लस टी टू स्क्वायर, वन प्लस टी टू स्क्वायर, इसको हम नंबर पाँच डालें तो आप देखेंगे यहाँ रो वन और रो टू दोनों जुड़ रहे हैं ना, तो इसको जोड़ें, लेकिन क्या है कि इसको व्युत्क्रम करना होगा हमें, चलो कोई नहीं बाद में कर देंगे इसको, रो वन की पावर माइनस टू बाई थ्री प्लस रो टू की पावर माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल टू टू ए की पावर माइनस टू बाई थ्री लाना है ना, इसको या तो आप यहीं व्युत्क्रम कर सकते हो या आगे चल के व्युत्क्रम करें, अगर आप इसको यहीं व्युत्क्रम करें तो और भी अच्छा रहेगा, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब अगर इसका उल्टा करो तो टू ए ऊपर जाएगा रो वन नीचे आएगा, टू ए अपॉन रो वन की पावर जो टू बाई थ्री है इसको लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ जो वन प्लस टी वन स्क्वायर है इसका भी व्युत्क्रम करेंगे तो वन अपॉन वन प्लस टी वन स्क्वायर, ये नंबर आपका छः डाल सकते हैं, इसका भी व्युत्क्रम करें तथा टू ए अपॉन रो टू की पावर टू बाई थ्री इज इक्वल टू वन प्लस टी टू वन अपॉन वन प्लस टी टू स्क्वायर, इसको सात नंबर डालें तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे छः प्लस सात से तो यह आया 2a की पावर 2 बाई थ्री अपॉन रो वन की पावर 2 बाई थ्री प्लस 2a की पावर 2 बाई थ्री अपॉन रो टू की पावर 2 बाई थ्री, इक्वल में है ये 1 अपॉन वन प्लस टी वन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वन प्लस टी टू स्क्वायर, लेकिन आपको पहले भी बता दिया हमें हमने कि t1 t2 इज इक्वल टू माइनस वन होता है,
तो यहाँ टी टू की वैल्यू अगर निकाल के रखी जाए, अगर यहाँ टी टू की वैल्यू रखी जाए तो आप देखेंगे कि ये तो है, दोनों में से 2a की पावर 2/3 कॉमन लें, ये 1/(ρ1) की पावर 2/3 होगा, ऊपर ले जाएं तो माइनस का 2/3, यहाँ 1/(ρ2) की पावर 2/3 है तो ऊपर ले जाएं तो माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/(1+t1)2+, आप यहाँ वैल्यू रखेंगे 1/(1+t2), टी टू की जगह आएगा माइनस का 1/(t1)2। इसको आप सिंप्लीफाई करें, 2a की पावर 2/3, रो 1 की पावर -2/3, रो 2 की पावर -2/3 इज इक्वल टू, और यह बन जाएगा 1/(1+t1)2+, नीचे आएगा 1+(1)t1)2। इसको और भी सरल किया जाए तो 1/(1+t1)2+, इसको एलसीएम लें तो 1/(1+t1)2, टी वन स्क्वायर ऊपर जाएगा ना, अगर आप एलसीएम लें तो देखेंगे कि नीचे जो है एलसीएम में 1+t1)2, ऊपर है 1+t1)2, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आरएचएस में 1 रहेगा, लेकिन जो लेफ्ट साइड में वो है 2a की पावर 2/3, रो 1 की पावर -2/3 प्लस रो 2 की पावर -2/3 इज इक्वल टू, इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो ये 1 आ जाएगा इक्वल में, लेकिन आप देखेंगे यहाँ की रो 1 की पावर -2/3 प्लस रो 2 की पावर -2/3 इक्वल टू 1/(2a की पावर 2/3, इसको भी ऊपर ले जाएं, रो 1 की पावर -2/3 प्लस रो 2 की पावर -2/3 इज इक्वल टू 2a की पावर -2/3। बस आपसे यही प्रूफ करवाया था, कल की मीटिंग में चर्चा करेंगे।